तो भाइयों, गुड इवनिंग। आज बात करेंगे, आपका राशिफल बताते हैं और 30 सेकंड लेंगे आपको। मैं लेवल एक बार रिपीट करा देता हूं, आप भूल गए होंगे। देखो, निफ्टी के मैंने एक लेवल बताया था 19,420। ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ये क्या है, डे चार्ट पर 20 SMA है, ठीक है। इसके ऊपर हम रहते हैं, 35 पे बंद हुए हैं, ये 15 पॉइंट का है, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए, ठीक है। एक चीज हो गई। दूसरा क्या है कि ये अगर इसके ऊपर हम रुक गए, ठीक है, जो ये मैं लेवल बता रहा हूँ, और जो कल का हाई है, कल का हाई क्या था, 19,458 मान लो, मतलब 20-25 पॉइंट ऊपर और 15 पॉइंट नीचे, ठीक, जो नीचे सपोर्ट है, और 20 या 25 पॉइंट आप ऊपर निकले तो एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी मार्केट में, जो के ऊपर की तरफ आपको कहीं ना कहीं मार्केट को 520-560 की तरफ लेके जा सकती है, ठीक है। क्लियर हो गए, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि 19,420, ये 20 SMA, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये इसके नीचे अगर कोई कैंडल 30 मिनट एक घंटा की क्लोज हो गई ना, या पहली कैंडल ही एक घंटा वाली जो क्लोज हो गई ना इसके नीचे 400, फिर अच्छी सेलिंग आएगी। तो आपको बिल्कुल क्लियर है, आपने 9:15 बजे मार्केट खुला, 10:15 बजे देख लो, बल्ले बल्ले, ठीक है। वैसे जो हमारा योग है उसके हिसाब से मार्केट ऊपर रहना चाहिए। हो सकता है सुबह में थोड़ा सा तंग करेगा 10-20 मिनट, फिर सही होना चाहिए, ठीक। बैंक निफ्टी का मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी हमारा क्लोज हुआ है 44,400 समथिंग पे क्लोज हुआ है, करीब करीब, और 440 है क्या, शायद ऐसा ही है ना, और 44,463, मतलब वहां से 15-20 पॉइंट एक रेजिस्टेंस है 15, तो 460 के ऊपर रख जाता है, वो क्या है, 50 SMA है। 10-15 मिनट की कैंडल क्लोज कर देता है तो बुलिश, नहीं तो सोचना मत बुलिश की, ठीक है। तो जो ऊपर का बैंक निफ्टी का लेवल हो गया 44,463 है, ठीक, उसके ऊपर हम बाइंग साइड की सोच सकते हैं, ठीक, सपोर्ट लेता है। और जो कल का हाई था वो था 44,568, तो जैसे ही हम 568 इसके बीच में थोड़ा सा हम घूमते रहेंगे, नीचे का लेवल आएगा, नीचे का आएगा 44,060 मान लो, और ऊपर का 560, और 560 कटेगा तो 750, मतलब वहां से करीब करीब आपको 200 पॉइंट मिलेंगे। तो ये बिल्कुल कहानी क्लियर हो गई। अब ये आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको राशिफल बता देता हूँ। बाकी आप फ्री वाले चैनल पर रहना, मैं आपको अपने आप ट्रेड दे दूंगा, अच्छे पैसे कमेंगे कल भी, ठीक। तो मेष राशि के 3 पॉइंट हैं, वृषभ के 4 हैं, मिथुन के 3.5 हैं, और कर्क के 2.5 पॉइंट है, और सिंह राशि कमजोर है 2 हैं, और कन्या राशि के 2.5, तुला कमजोर है 2 पॉइंट हैं, वृश्चिक राशि के जो है 4 पॉइंट हैं, धनु राशि के 4.5, मकर राशि 3.5 पॉइंट बनते हैं, और कुंभ राशि के 5 हैं, ठीक है, और मीन राशि आपके 3 पॉइंट हैं, ठीक है। तो ये हो गई, 2 राशि कल कमजोर हैं, कौन कौन सी, सिंह राशि और तुला राशि, बाकी राशि आपकी ठीक है कल के लिए। तो ये 3-4 मिनट का वीडियो है आप लोग कर रहे थे, तो चलो, थैंक यू, जय हिंद, ईश्वर आपको कल फायदा करे।